जयपुर में सोमवार को हुई बारिश ने विजयदशमी के लिए रावण के पुतले बनाने में जुटे कारीगरों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। दो दिन पहले तक ये कारीगर अच्छे कारोबार की उम्मीद में खुश थे, लेकिन बारिश में पुतलों के गलने के बाद इनके चेहरे पर निराशा नजर आ रही है। हालांकि बारिश से खराब हुए छोटे पुतलों को कल रात से ही ठीक करने का काम चल रहा है। वहीं आज रावण मंडी में रावण के पुतले खरीदने वालों की भीड़ भी नजर आई, जहां का जायजा लिया संवाददाता विमल कोठारी ने। विजयदशमी पर बड़ी संख्या में रावण के पुतले यहां जयपुर की रावण मंडी में तैयार हुए, लेकिन एक दिन पहले आई अचानक बारिश ने इनमें से काफ़ी सारे पुतले ऐसे हैं जिनको डैमेज कर दिया। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा वो जरा नज़ारा दिखाए, किस तरह का नज़ारा है, किस तरह के लोग यहां आ रहे हैं और जो लोग चेक कर रहे हैं, ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसमें कितना दम बाकी बचा है और कितनी इसमें सेल हो सकती है, इसमें से कितना माल बिक सकता है। और इसमें लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि कितनी मरम्मत जल्दी से जल्दी हो सकती है। जहाँ दर्शक देख सकते हैं बड़ी संख्या में रावण के पुतले अनायास हुई बारिश का शिकार हुए और बहुत सारे पुतले तो ऐसे हैं जिनका अब कोई उपयोग नहीं हो पा रहा, चूँकि कल रात को बारिश आई थी और इस बारिश के बाद में इन पुतलों की मरम्मत के लिए या उपस्थित कारीगरों ने पूरे परिवार के साथ जुट करके इस बात की कोशिश की थी कि इन पुतलों को किसी तरह से ठीक किया जा सके। हालांकि कुछ लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो नुकसान है उसे कम से कम किया जाए। मानसरोवर के मेट्रो स्टेशन के पास में है, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो अब एन मोमेंट के ऊपर रावण की खरीदारी करने के लिए भी आए हैं। ये लोग जमकर नेगोशिएशन कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है, हमारे सामने ही एक 35 फुट के आसपास के आकार का रावण केवल 8,000 रुपये में बिका। उसका कारण ये है कि यदि आज रावण बिका तो बिक गया, उसके बाद एक साल तक इस रावण का पुतले का कोई खरीदार नहीं रहेगा। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।